Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. गाजा के बाद अब लेबनान में इजरायली सेना और हिजबुल्ला के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। दोनों तरफ से 2 जुलाई को ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई, जिसमें भारी मशीन गन, तोपखाने और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। लेबनान के सैन्य सूत्रों ने बताया है कि गोलीबारी में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इजरायल ने ड्रोन और युद्धक विमानों से दक्षिणी लेबनान के 7 कस्बों और गाँवों पर 9 हवाई हमले किए। इसके साथ ही पूर्वी लेबनान सीरियाई सीमा पर भी 3 हवाई हमले हुए। वहीं लेबनान की सेना ने इजरायल की ओर 50 से अधिक सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलें दागी, जिनमें से इजरायल के आयरन डोम ने कई मिसाइलों को नष्ट कर दिया। इसी बीच हिजबुल्ला ने एक इजरायली युद्धक विमान को भी निशाना बनाया। आपको बता दें कि इजरायल ने हाल ही में एक हमले में हिजबुल्ला के टॉप कमांडर फुआद शुक्र को मार गिराया था, जिसके बाद हिजबुल्ला लगातार इजरायल पर हमले कर रहा है और शीर्ष कमांडर फुआद की मौत के बाद हिजबुल्ला बौखलाया हुआ है और इजरायल के खात्मे के लिए निर्णायक युद्ध कर रहा है।